जब प्यार करती है तो अपना सब कुछ वार देती है, प्रेमी की हर इच्छा पूरी करना अपना धर्म समझती है। लेकिन जब उसी प्यार से उसे धोखा मिले तो क्या हो? यूपी के रामपुर के थाना सवार में एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर थाने में दाखिल होती है और पुलिस से गुहार लगाती है कि उसका पति उसे धोखा देकर ना जाने क्यों उसे छोड़कर भाग गया है। पुलिस भी महिला की आपबूती सुनकर उसे इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाती है। दरअसल मामला दिल्ली से शुरू हुआ। रामपुर के थाना सवार के गांव जामिनगंज के मंझरा नवाब नगर का साजिद दिल्ली में रहकर कोट सिलने का कारखाना चलाता था। कारखाने के ऊपर कमरे में ये महिला अपने बच्चे के साथ रहकर घरों में साफ सफाई का कार्य करती थी। दोनों की बात हुई, फिर मुलाकात हुई, बात प्यार से आगे शादी करने तक पहुंच गई। 2 वर्ष पहले साजिद ने महिला से शादी कर ली और दोनों साथ ही रहने लगे। 4 दिन पूर्व महिला का आरोप है कि साजिद घर में रखे 80,000 रुपए और जेवर लेकर कोट के कारखाने को रातों रात खाली कर भाग गया। 4 दिन तक महिला इंतजार करती रही लेकिन वह नहीं लौटा। परेशान होकर जब महिला के सामने रोजी रोटी का संकट होने पर वह थाना सवार पहुंची और पुलिस को पूरी बात बताई। दिल्ली से आई इस महिला की बात सुनकर इस महिला के साथ पुलिस साजिद के घर पहुंची, लेकिन वह घर से भी फरार था। परिजनों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन वह महिला उससे मिलने की जिद कर उसके घर पहुंच गई। महिला का कहना है कि उसका पति साजिद कारखाना बंद कर फरार हो गया। रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होने पर वह कोतवाली आ गई और पुलिस से पति से मिलाने की गुहार लगाई। दोनों शादी करने के बाद कारखाने में रहने लगे थे। महिला का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व कारखाने को अचानक बंद कर गायब हो गया था। जब शाम तक घर नहीं पहुंचा तो कारखाने जाकर देखा तो ताले लटके पड़े थे। मोबाइल पर संपर्क करने पर स्विच ऑफ आया। महिला घबरा गई और दोस्तों समेत परिचितों से संपर्क किया लेकिन कोई पता नहीं लगा, जबकि उसके सामने कमरे के किराए समेत रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होने लगा। तब मजबूरी में महिला बच्चे को साथ लेकर पति को ढूंढते ढूंढते कोतवाली आ पहुंची और पुलिस को सारी बात बता पति से मिलाने की गुहार लगाई। पुलिस हरकत में आ गई और साजिद के घर महिला को साथ लेकर पहुंची, लेकिन वह घर से फरार था। पुलिस तो वापस आ गई लेकिन महिला अपने पति साजिद से मिलने और साथ रहने की जिद कर घर पर ही रुकी रही। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। क्या मामला है? स्वार्थ नहीं है, ये साजिद नाम के लड़का मुझसे शादी की। साजिद नाम के लड़का ने मुझसे 2 साल से शादी कर रखा था। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली? अच्छा। और उनने मुझे छोड़, हमारे साथ बहुत अच्छे से रहता था 2 साल से। अच्छा। नहीं कुछ लड़ाई नहीं कुछ। आप क्या करती थी दिल्ली में? हम घरों में काम करते थे, सफाई करते। हाँ, सफाई के काम करते। वो लड़का क्या करता था? वो कोट पहन के फैक्ट्री खोल रखा था अपना। अच्छा। और उनने अचानक से 4 रोज हो गया, ये हमारे पास सो रहे थे रात में। इनके छोटे बड़े भैया दूसरे फैक्ट्री में काम कर रहे थे और इन्हें अपने भैया से बात करके बाहर उधर ही से उधर ही सारे फैक्ट्री खाली करवा लिया। मुझसे कहा कि मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने 5:30 बजे। ये नाश्ता बनाते बनाते ही भाग हो गया, जब से आया नहीं। जब मैं इनकी फैक्ट्री गई देखने के लिए तो ना तो एक मशीन, ना कोई सामान, ना इनका बाइक, कोई कुछ भी नहीं था। पूरी चीज़ लेके ये भाग गया था वहाँ से। ये जब तक फोन थाने आई स्वर थाने में आई हूँ इसलिए कि वो आए वो रखे मुझे और हमारे सामान जो सामान उमान वे रहने वाली कहाँ की है? मैं रहने वाली बिहार की हूँ और किराए पर दिल्ली में रहती हूँ। और जो मेरा सामान JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।